मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है और प्रत्याशियों की सूची जारी होती जा रही है, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और रोष दोनों देखने को मिल रहा है। इसी के चलते भोपाल मध्य विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष और जोश दोनों देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है। देखिए भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता साउद सिद्दीकी की खबर, SS के लिए एक रिपोर्ट। मंडलम अध्यक्ष हूँ, मेरा सीधा सीधा आरोप है सुरेश पचौरी जी के ऊपर कि सुरेश पचौरी जी ने 1 करोड़ रुपए के अंदर टिकट बेचा है और ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक है। वो हमेशा यही काम करते हैं, 2014 के 13 में भी उन्होंने यही काम करा था, 14 में उन्होंने टिकट बेचा था और किसी गलत आदमी को टिकट दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 6,000-7,000 वोटों से हारे थे। 2008 के अंदर नासिर भाई को टिकट मिला था, नासिर भाई मात्र 2400 वोटों से हारे थे। 14 के अंदर नासिर भाई का टिकट डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन किसी वजह से सुरेश पचौरी जी ने और उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक सबसे बड़ा प्रेशर है कि हर चीज़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ पहले आ जाता है। उवैसी जी अपनी टीम को बेचते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े बड़े उलेमा आ जाते हैं, नकली फर्जी लोग बनकर वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, पहले उसकी जांच करना चाहिए कि कौन आदमी सही है कि कौन आदमी गलत है, उठाकर फैसला कर देते हैं। जिसका नतीजा 2014 में हुआ, नासिर भाई का टिकट डिक्लेयर हो गया था, 24 घंटे के अंदर उनका टिकट चेंज कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 7,000 वोटों से आरिफ मसूद साहब हारे थे। अभी हम ये चाहते हैं कि फिर वही गलती हुई है, हमारा नाम पैनल में, हमारा नाम सर्वे के अंदर, हमारा नाम 3,000 से कम के अंदर, उसके बावजूद आप हमें टिकट नहीं दे रहे, तो क्या मतलब है? युवाओं के अंदर आप हमें टिकट नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे वार्ड के अंदर हमारे जितने भी समर्थक है, मंडलम अध्यक्ष हो चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, जिस भी पदाधिकारी है, सबके सब इस्तीफा देंगे, हम विरोध करेंगे।